बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ का सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। गाइज, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ 50 एमसीक्यूज़ मीन के पार्ट वन इस प्ले लिस्ट का शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। काफ़ी कैंडिडेट्स ने वो वॉच कर लिया होगा, तो काफ़ी कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी सर हमें सेकेंड पार्ट भी जल्दी से शेयर कर दें। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ जो नेक्स्ट मीन के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गाइज़ ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसमें जो रिसेंटली आपको टॉपिक बताए थे वो भी मैं आपको बता देता हूं। गाइज, इन तमाम टॉपिक्स में से मैंने ये 100 एमसीक्यूज बनाए हैं। पहले 50 जो पार्ट वन है वो अपलोड कर दिया है, दूसरा पार्ट आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस कर, लॉ वेरिएबल कॉस्ट कर, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, प्राइसिंग मेथड, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इकोनॉमी। गाइज, एक चीज नोट कर लें, अब इस जो नेक्स्ट पार्ट मीन के जो अब मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो गाइज इसमें मैंने पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने जा रही है। तो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। गाइज आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। गाइज हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में बताना है कि इकोनॉमिक्स है क्या। गाइज मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा मीन के मुझे एमसीक्यूज मैंने इसलिए डाला है कि ताकि कई ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो मेरी पहली टाइम मीन के फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे होंगे, ताकि मैं इस एमसीक्यूज के जरिए आप लोगों को की जो डेफिनेशन बनती है इकोनॉमिक्स की वो थोड़ी सी आपको बता सकूँ। गाइज इकोनॉमिक्स ये होता है कि जो आप लोगों के पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं ना, आपने उनका इस तरीके के साथ यूज़ करना होता है कि आपकी जो मैक्सिमम यूटिलिटी है, मीन कि आपकी जो मैक्सिमम नीड्स है ना, उनको आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नीड्स को फुलफिल करना होता है। मीन के जो आपके पास कम से कम रिसोर्सेज हैं उनको आपने एफिशिएंट तरीके से यूज़ करना है और अपनी मैक्सिमम नीड्स को, अपनी मैक्सिमम वांट्स को फुलफिल करना होता है। तो गाइस ये आप ऑप्शन बी में चेक कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी। जो भी आपके पास कम से कम रिसोर्सेज हैं उनके इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी मैक्सिमाइज यूटिलिटी, यूटिलिटी कहते हैं अफादियत को, अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को फुलफिल करना होता है, इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। गाइज इन पांच ऑप्शन में से हमने बताना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। गाइज देखें, अनस्किल्ड लेबर ये भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, इनसे भी नहीं ले सकते। ट्रेडर्स इनसे भी नहीं हम ले सकते। लैंड इनसे बिल्कुल ले सकते हैं, लैंड से हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन के जिनसे जिनको इनपुट दें और हमें बदले में आउटपुट हासिल हो, तो लैंड से भी ले सकते हैं, लेबर से भी ले सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन ई, मीन के सी एंड ई दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट का एक क्वेश्चन है, शॉर्ट रन इज़ द टाइम पीरियड इन विच। गाइज बेसिकली ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉन्ग रन और एक होता है शॉर्ट रन टाइम पीरियड। तो गाइज जो शॉर्ट रन टाइम पीरियड होता है, इसमें आपने याद रखना है कि इसमें जो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, मीन कि इसमें हम चेंज कर सकते हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है वो है बी, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन चेंज, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है लॉन्ग रन। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि एक होता है शॉर्ट रन और दूसरा होता है लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन में क्या होता है, फिक्स्ड होते हैं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन ए, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड। शॉर्ट रन में क्या होता है, मीन के चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम होती रहती है, लेकिन इसमें फिक्स होती है प्रोडक्शन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप शोज द बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। गाइज हमने इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन से बुनियादी तौर पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो बताने हैं। तो गाइज आपने याद रखना है, ये आपने तरतीब भी याद रखनी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, गाइज ये हमारे बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। आपने इसे क्रैमिन के रट्टा लगा लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कैपिटलिज्म रेफर्स द। गाइज हमने बताना है कि कैपिटलिज्म की जो टर्म है ये किस चीज़ को रेफ़र करती है। तो गाइज ये रेफ़र करती है मीन के किसी भी कोई कैपिटल गुड्स है ना, तो उसको प्राइवेटाइज कर देना, मीन के उसके ओनर जो होगा वो प्राइवेट होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द कैपिटल गुड्स, मीन के प्राइवेटाइजेशन हो जाना, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ च्वाइस इज अबाउट। गाइज थ्योरी ऑफ च्वाइस का इन चार ऑप्शन में से बताना है कि मीन के किस चीज़ को जिक्र करती है थ्योरी ऑफ च्वाइस। तो गाइज आपने याद रखना है कि च्वाइस में देखें मीन के अपनी प्रेफरेंस आ जाती है ना, तो आपने च्वाइस से प्रेफरेंस ऑफ पीपल आपने ऐसे रट्टा लगा लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, प्रेफरेंस ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी इज़ डिफाइंड एज। गाइज मैंने अभी एक पहले एमसीक्यूज में आई थिंक आपको बताया था कि यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी होती है अफादियत, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बताया सेटिस्फेक्शन,
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बेसिक सी टर्म है लेकिन ये बार बार इस्तेमाल होती है इकोनॉमिक्स में, तो मैंने सोचा ये भी इस पर क्वेश्चन बना दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिनल अप्रोच इम्प्लाइज डैट। गाइज ये आपने याद रखना है कि कार्डिनल अप्रोच को हमेशा हम मोनिटरी टर्म्स में मीन के मैयर करते हैं। गाइज एक होता है ऑर्डिनल और एक होता है कार्डिनल। तो गाइज और जो कार्डिनल अप्रोच होती है ना, इसमें हम यूटिलिटी को मैयर करते हैं मोनिटरी टर्म्स में। तो गाइज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स। गाइज देखें, जब भी यूटिलिटी फॉल करती है तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा उस पर मीन के जैसे ये फॉल कर रही है, मार्जिनल यूटिलिटी भी मीन के नेगेटिव में जाएगी, मीन के वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन बी नेगेटिव। गाइज इनका जो आपस में रिलेशनशिप होता है वो होता है पॉजिटिव, तो आपने ऐसे ये याद कर लेना है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू कमोडिटीज़ फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डैट। गाइज जब भी टू कमोडिटीज़ फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो आपने ये याद रखना है कि हमेशा जो आईसी कर्व बनती है वो मीन के ओरिजिन की तरफ बनती है, मीन के आईसी कर्व मस्ट कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो गाइज ये आईसी का मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व, मस्ट कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो आपने ये याद रखना है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इट्स डिमांड ड्यू टू चेंज इट। गाइज हमने ये बताना है कि जब भी, जैसा कि आपको पता है कि इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, बेसिक सी टर्म है कि प्राइस और कमोडिटी, प्राइस और डिमांड का आपस में मीन के एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होती है। तो गाइज जो प्राइस और डिमांड है तो ये एक दूसरे में रिस्पॉन्सिवनेस जो रद्द अमल आता है इन दोनों के दरमियान, तो वो किस चीज़ की वजह से आता है, मीन के डिमांड ड्यू टू चेंज इन किस चीज़ की वजह से। गाइज जो इनकी अपनी प्राइस होती है ना, मीन के जो अपनी आउन प्राइस होती है गाइज, ये आपने याद रखना है कि उस चीज़ की वजह से डिमांड में चेंजिंग आती है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है द डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इज लिमिटेड बाय। गाइज हमने डिवीजन ऑफ लेबर बतानी है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ जो उन्होंने पेश की थी। तो गाइज ये आपने याद रखना है, हमेशा दो लिमिट्स थी उनकी, एक मार्केट और दूसरा कैपिटल का। ये आपने दो लफ्ज़ याद रखने हैं गाइज, मार्केट और दूसरा कैपिटल। तो जो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है वो है ऑप्शन सी, मीन के ए एंड बी बोथ, मार्केट और कैपिटल, मीन के एक्सटेंट ऑफ द क्वान्टिटी, क्वान्टिटी ऑफ कैपिटल अवेलेबल। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन सी, ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द रिकॉर्डियन थ्योरी। गाइस देखें, रिकॉर्डियन थ्योरी जो शायद आप बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता होगा, इसकी बेसिकली पांच अजम्पशन हैं। तो जिनको पता है तो वो तो इजीली इस क्वेश्चन का मीन के उनको जवाब पता चल चुका होगा। तो गाइस ये जो मीन के राइजिंग रियल वेजेस है ये अजम्पशन नहीं है, बाकी फिक्स्डी ऑफ लैंड, ऑपरेटिंग ऑफ लार्ज डिमिनिशिंग, परफेक्ट कंपटीशन। तो गाइज ये तीन मीन के जो बी सी डी ये अजम्पशन है, लेकिन जो ऑप्शन ए है ना, ये इसकी अजम्पशन नहीं है रिकॉर्डियन थ्योरी की। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सपेक्टिव प्लानिंग रेफर्स टू द। गाइज देखिए, पर्सपेक्टिव प्लानिंग हमने बतानी है किस चीज़ को रेफर करती है। गाइज पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो होती है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग को रिप्रेजेंट करती है, मीन के हम जो पर्सपेक्टिव प्लानिंग बनाते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाते हैं। तो इस ये किस चीज़ को रेफर करती है, ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज। गाइज इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि कौन सी मीन की खसूसियत नहीं है अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज़ की। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान्स इनकम इज़ लो बिकॉज। तो गाइज हमने रीज़न बतानी है कि किस वजह से इनकम लो है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पाकिस्तान से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन डाले हुए हैं, फर्दर आ रहे हैं, तो आपने इनको लाजमी याद कर लेने हैं, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट टेक्स प्लेस। गाइज जब भी मीन के इकोनॉमिक डिवेलपमेंट होती है तो इन चार ऑप्शन में से कौन सी मीन के जो टर्म है इस्तेमाल होती है, तो हमने ये बताना है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है जब भी इकोनॉमिक डिवेलपमेंट होती है, तो गाइज आपने ये याद रखना है, एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है और कैपिटल स्टॉक इंक्रीज़ होता है, मीन के ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ अ गुड मेजर ऑफ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट। गाइज इकोनॉमिक डिवेलपमेंट को मेजर करने के लिए इन चार ऑप्शन में से कौन सी अच्छी मीन के टर्म है, तो
तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है रेट ऑफ चेंज इन रियल इनकम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स कंसिस्ट इन पाकिस्तान। गाइस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल है इन पांच चार ऑप्शन में से। कॉटन प्रोडक्ट्स ये भी गाइस हमारी मीन के एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान, मशीनरी ये भी करता है, स्पोर्ट्स गुड ये भी करता है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट। गाइस इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि कौन सा इकोनॉमिक डिवेलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट मीन के पॉइंट है। तो गाइस देखें इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है क्वालिटी ऑफ एचआर मीन के ह्यूमन रिसोर्सेज, ये इम्पोर्टेंट मीन के टर्म है, मीन के ये होना ज़रूरी है क्वालिटी ऑफ एचआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस पाकिस्तान इज़ एन इकोनॉमी। गाइस हमने बताना है पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है, मीन के डिवेलपिंग है, डिवेलप्ड है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बोथ ए एंड सी। तो गाइस देखें डिवेलपिंग है, मीन के अभी पाकिस्तान इज़ एन डिवेलपिंग इकोनॉमी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है विच इज़ लाइकली टू बी हायर इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान। इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है सबसे पहला ऑप्शन है बर्थ रेट, ऑप्शन बी जीडीपी पर हेड, ऑप्शन सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नेट इन्वेस्टमेंट पर हेड। तो इन चार ऑप्शन में से है वो है राइट आंसर बड़ा बनता है ऑप्शन ए बर्थ रेट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन। तो किस चीज़ पर मीन के इकोनॉमिक भी डिवेलपमेंट मेजर करती है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है रियल इनकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये आपने याद रखना है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इज़। गाइस हमारी पाकिस्तान इकोनॉमी में जो लार्जेस्ट सेक्टर मीन के कंट्रीब्यूशन है वो किस चीज़ की है, ट्रांसपोर्ट की है, एग्रीकल्चर की है, इंडस्ट्री की है, ट्रेडिंग ट्रेड की है। तो गाइस ये आपने याद रखना है एग्रीकल्चर की है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है द हाइएस्ट गवर्नमेंट बॉडी फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन पाकिस्तान इज़। गाइस पाकिस्तान में जो मीन के जो गवर्नमेंट की बॉडी बनाई गई है इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, तो गाइस वो प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइस जितने भी मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने तमाम क्वेश्चन को एज इट इज़ मीन के इनको याद कर लेना है। और गाइस अगर आपको वीडियो से थोड़ी बहुत मीन के हेल्प मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है, तो गाइस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, थैंक यू। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है पाकिस्तान इज़ अंडर डिवेलप्ड बिकॉज ऑफ। गाइस पाकिस्तान मीन के अंडर डिवेलप्ड है, उसकी क्या रीज़न है। गाइस देखें एक तो पुअर गवर्नेंस है हमारे मुल्क में, और दूसरा है करप्शन, मेन जो मीन के पॉइंट बनते हैं, तो आपने ये याद रखना है पुअर गवर्नेंस एंड करप्शन, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज़ ऑफ पाकिस्तान एट्थ प्लान वाज इन रुपीज़। गाइस पाकिस्तान ने जब इकॉनमी का जो एट प्लान तैयार किया था उसका हमने बताना है कि मीन के कितने रकम का था। तो गाइस ये आपने याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट 1700 बिलियन। गाइस आपने ये भी याद रखना है जब फर्स्ट प्लान मीन के तैयार किया गया था ना जो इकोनॉमिक का, तो गाइस ये आपने याद रखना है इकोनॉमी का फर्स्ट प्लान 1955 में मीन के तैयार किया गया था, ऑप्शन इसका जो राइट आंसर बना बनता है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ कंट्री डिवेलप्स। गाइस हमने ये बताना है कि जब भी कोई कंट्री डिवेलप्स होता है तो उसके लिए मीन के क्या मीन के उसकी जो टर्म है मीन के शो करती है इन चार ऑप्शन में से। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑल ऑफ देम, पर कैपिटा इनकम राइज हो जाती है, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है, अर्बनाइजेशन राइज हो जाती है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट इन पाकिस्तान विल इंक्रीज इफ। गाइस इकोनॉमिक डिवेलपमेंट पाकिस्तान में इंक्रीज होगा अगर, इन चार ऑप्शन में बताना है सेविंग रेट इंक्रीज, मनी सप्लाई इंक्रीज, इंपोर्ट इंक्रीज, ऑल ऑफ देम। गाइस देखें इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है सेविंग रेट इंक्रीज होगा तो फिर ही हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसमें इजाफा होगा, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट ऑफ वाटर चार्जेस बाय द फार्मर्स टू द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स। गाइस जो भी मीन के जो पेमेंट किसान करते हैं पानी की, वाटर चार्जेस जो बिलों के पानी के बिल के आते हैं, तो जो गवर्नमेंट को पे करते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस ये आपने याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अकाउंटिंग टर्म व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द क्लोजिंग स्टॉक। गाइस देखें, जो तो जिन्होंने अकाउंटिंग कभी पढ़ी है उनको पता होगा कि क्लोजिंग स्टॉक कब हम मीन के इसको कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस इसके लिए होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट इन्वेस्टमेंट जो आपके पास होगी माइनस CGS मीन के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन इन मीन के करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो बचता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो गाइस ये आपने याद रखना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जो बाद में बीन के अमाउंट आती है वो क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा इज डैश। गाइस ये कोटा टर्म इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी मीन के ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो मैं आपके साथ इसका मीन के MCQs भी बनाया है कि इसका मतलब क्या होता है, कोटा क्या है। तो गाइस ये आपने याद रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स। मीन के देखें ना, गवर्नमेंट एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, एक कोटा रखा गया है कि आपने इतनी लिमिट तक इम्पोर्ट्स करनी है, मीन के इतना कोटा रखा गया है। तो ये आपने याद रखना है कि कोटा इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लिमिट लगा देना, लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैनन ऑफ टैक्सेशन वार प्रोपाउंडेड बाय। गाइज कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, आपको टैक्सेशन का तो पता ही होगा, तो गाइज ये किस चीज़ ने मीन के तजवीज़ किया था इन चार ऑप्शन में से। तो गाइज आपने ये याद रखना है ऑप्शन बी, एडम स्मिथ ने कैनन ऑफ टैक्सेशन तजवीज़ किया था। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्शंस मीन। गाइज हमने प्रोटेक्शन का मतलब बताना है कि क्या मतलब होता है। गाइज देखें, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन इम्पोर्ट ट्रेड, मीन के ऑप्शन ए भी ठीक है, मीन के प्रोटेक्शन से रिलेटेड देखा जाए। प्रोटेक्शन टू होम इंडस्ट्रीज, इसकी भी गाइज ये ऑप्शन बनता है। नंबर मीन के नो फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो मीन के हमारे जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑल ऑफ द अबव। प्रोटेक्शन मीन इन तमाम मीन के ऑप्शन में जो ऊपर दिए गए हैं, इन तमाम ऑप्शंस में प्रोटेक्शंस का मतलब वाजिया होता है। तो इसका यही मैंने बताना था, ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज द स्टडी ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द इंटायर। तो गाइस देखिए, जब भी हम नेशनल इनकम को मीन के उसका मुतालिया करते हैं जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को देखा जाता है, तो गाइस वो बेसिकली इकोनॉमी कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन सी, इकोनॉमी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक राइसिस फ्रॉम। गाइस इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम मीन के कब ज़्यादा होती हैं, तो गाइस ये आपने याद रखना है, जब भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कम हो जाएँ और आपकी नीड्स मीन के आपकी वांट्स ज़्यादा हो जाएँ, तो आपने ये याद रखना है मोर वांट्स एंड लेस गुड्स, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू। गाइस हमने ये बताना है कि जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है ये किस गवर्नमेंट को हम मीन के ये सोर्स ऑफ इनकम है। तो गाइस ये आपने याद रखना है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को मीन के ये सोर्स है रेवेन्यू का, स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपने याद रखना है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी एंड अ सर्टन पॉइंट डिफिसिट फाइनेंसिंग विल सर्टन लीड टू। गाइस देखिए, डिफिसिट की कंडीशन कब होती है, जब मीन के जब हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और आपकी जो इनकम है वो कम हो जाती है, तो डिफिसिट मीन के सारा आ जाता है, तो जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो गाइस जो भी प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो इन्फ्लेशन की क्रिएशन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, मीन के ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पब्लिक बजट्स जीरो बेस्ड बजटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन। गाइज हमने ये बताना है कि जो पब्लिक बजट्स है जीरो बेस्ड बजटिंग, ये सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कहाँ हुआ था। तो गाइस ये आपने याद रखना है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म मार्केट इन इकोनॉमिक मीन्स। गाइस हमने मार्केट की टर्म मीन के इकोनॉमिक्स में किसके लिए इस्तेमाल होती है, तो आपने ये बताना है, तो आपने ये याद रखना है सेंट्रल प्लेस कहा जाता है मार्केट को, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ लेबर इज लिमिटेड बाय। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है एक्सटेंट ऑफ द मार्केट तक, मीन के लिमिटेड है डिवीजन ऑफ लेबर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय। तो गाइस किस चीज़ के साथ हम एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइसिस मेनली ड्यू टू द। तो गाइज ये भी हमने बताना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन चार ऑप्शन में से किस वजह से मीन के अक्कर होती हैं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जब रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, तो आपने ये याद रखना है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फिक्स कॉस्ट। गाइज इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि कौन सी फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन सी, वेजेस पेड टू द वर्कर,
तो गई ये फिक्स कॉस्ट नहीं है। बाकी जो तमाम मीन के रेंट भी फिक्स्ड है, म्यूनसिपल टैक्सेस भी फिक्स है, इंश्योरेंस चार्जेस भी फिक्स है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू काइंस इज फॉर। गाइज अकॉर्डिंग टू काइंस हमने बताना है कि डिमांड फॉर मनी इन चार ऑप्शन में से स्पेकुलेटिव मोटिव भी होता है गाइज, आपने ये याद रखना है, ट्रांजैक्शन मोटिव भी होता है और प्रीक्वेशनरी मोटिव भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल प्रोसीड्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स कम अंडर द बजट हेड। गाइज जो भी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स की प्रोसीडिंग होती है, मीन की सेल्स प्रोसीडिंग होती है, ये बजट हेड के किस मीन के अंडर आता है, किस हेड में आता है बजट के। तो गाइज ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैपिटल रिसीप्ट्स में आता है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ। गाइज इन चार ऑप्शन मैंने हमने बताना है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में का जो इंपॉर्टेंट फ्यूचर है इन चार ऑप्शन में से कौन सा है। तो ये आपने याद रखना है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का कंपटीशन होता है। इसमें मीन के कोई भी हमारा कंपटीटर नहीं होता, जो हमारी प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास ही होती है, इसे कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ द प्राइस व्हेन। गाइज ये आपने याद रखना है, जब भी सप्लाई इक्वल टू डिमांड आ जाती है ना, तो गाइज इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, मीन इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन डी, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूडिंग इन प्रोडक्शन। गाइस इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि कौन सा प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं होता। प्रोडक्शन ऑफ वीट बाय फार्मर, गाइस ये भी होता है। प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन बाय अ कंपनी, गाइज ये भी हमें पढ़ने से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि गाइज आप देखें इकोनॉमिक्स को ना मीन के अकॉर्डिंग टू मिलते जुलते एंगल से देखा करें, जिस रियलिटी के साथ बहुत मीन के इनका तल्लक होता है। अब देखें ऑप्शन सी है, सर्विसेज गिवन बाय अ नर्स इन हॉस्पिटल, ये भी मीन के प्रोडक्शन में आ जाता है। इसके अलावा जो ऑप्शन डी है, सर्विसेज डन बाय अ हाउस वाइफ इन हर ओन हाउस। तो गाइज ये मीन के थोड़ी सी बात समझ नहीं आती। तो आपका जो राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बनता है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो गाइज ये था सेकंड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज का, जिसमें मैंने आपको मजीद जो 50 एमसीक्यूज रहते थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो गाइज आखिर पर यही कि अगर आपको मेरी वीडियो के ज़रिए थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है, तो गाइज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी चैनल पर ऐसी ही जॉब्स ओरिएंटेड वीडियो और जॉब्स की तैयारी के लिए मटेरियल डेली अपलोड करता रहता हूँ। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। अल्लाह आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।